प्रत्येक राष्ट्र सेवक का यह धर्म है कि वह अपने दैनिक जीवन में इन भावनाओं को एक रस करे। हिंदू मुस्लिम विद्वेष तथा राजनीतिक विडंबना को दूर करने का प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक देशवासी भारतवर्ष के वातावरण को सौहार्द और पारस्परिक औदार्य से परिप्लावित न कर देगा। परिस्थिति का बनना और बिगाड़ना बहुत अंशों में हमारे ही हाथ में है। यो तो बाह्य कारणों पर भी किसी का आधिपत्य नहीं, परंतु जहां तक हमारे दैनिक व्यवहार का विस्तार फैला हुआ है, जहां तक इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम न तो कोई ऐसा व्यवहार करें जिससे राष्ट्रीयता के पुनरुदय में व्याघात पहुंचे, और न हमें जानबूझकर कोई ऐसा शब्द ही कहना चाहिए जिससे पारस्परिक विश्वास का पौधा नष्ट हो जाए। यह तो निश्चित है कि हृदयों की मथानी से दही बिलोया जा रहा है, साथ ही यह भी निश्चित है कि एक न एक दिन नवनीत निकलेगा, पर यह भी प्रकट है कि अभी ऐसे आदमियों की संख्या बहुत कम है जो इस नवीन आवाहन मंत्र का आकर्षण अनुभव करते हों। हिंदू मुस्लिम ऐक्य को या राजनीतिक सद्भाव की इच्छा को बलवती करने के लिए हमें अपने सिद्धांतों और आवश्यक सामाजिक कार्यों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम ऐक्य के उपासक होते हुए भी अपनी बहू बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि आतताई की आंख यदि हमारी माँ बहनों की ओर उठे तो हम उसे फोड़ दें। यही क्यों, राष्ट्रीयता और सामाजिक पवित्रता की स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि यदि कोई हिंदू गुंडा किसी मुसलमान या ईसाई या अन्य धर्मावलंबिनी महिला की ओर बुरी निगाह से ताके तो हमें उससे रण ठान लेना चाहिए। इसी प्रकार मुसलमानों का भी यही धर्म होना चाहिए कि यदि कोई मुसलमान गुंडा किसी अन्य धर्म की बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार करे तो वे उस दुष्ट को दंड दें। पर आज कोई सभा या सोसाइटी इस काम को नहीं कर सकती। हम सब अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से इन बातों को व्यवहृत कर सकते हैं। इस प्रकार के आचरणों से इस देशव्यापी घृणा, द्वेष और भयातुरता का अंत हो सकता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस समय हमारा देश विश्रृंखलताओं के युग से गुजर रहा है। अब जबकि सभाओं और संस्थाओं ने अपने अपने हाथ समेट लिए हैं, व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं असफल सिद्ध होती है, वहां अंततोगत्वा व्यक्तिगत उपाय ही काम में लाए जाते हैं। देश की दशा पर दुखी रहने वाली आत्माओं से हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे अपने व्यवहारों में पवित्रता और सौजन्य का मिश्रण करके विश्रृंखलता के युग में वास्तव में प्रतीक्षा और प्रार्थना के युग में देश की दशा पर दुखी रहने वाली आत्माओं से हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे अपने व्यवहारों में पवित्रता और सौजन्य का मिश्रण करके विश्रृंखलता के युग में वास्तव में प्रतीक्षा और प्रार्थना के युग में गलत लिखा है देश की दशा पर दुखी रहने वाली आत्माओं से हम देश की दशा पर दुखी रहने वाली आत्माओं से हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे अपने व्यवहारों में पवित्रता और सौजन्य का मिश्रण करके विश्रृंखलता के युग में मार डालो। एक्चुअली ना ये इसने यहाँ पे एक पंक्चुएशन गलत लिखा है और उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर बाद में ध्याना, ठीक है। देश की दशा पर दुखी रहने वाली आत्माओं से हम आदर पूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे अपने व्यवहार में पवित्रता और सौजन्य का मिश्रण करके विश्रृंखलताओं के युग को वास्तव में प्रतीक्षा और प्रार्थना के युग में परिवर्तित कर दे। निराशा और हतोत्साह को हृदय में स्थान देने की जरूरत नहीं। हमारा यह विश्वास है कि देश स्वतंत्र होगा और इन कुभावनाओं से उसकी मुक्ति होगी। गणेश शंकर विद्यार्थी, चुनी हुई रचनाएं।